मैं उदय श्रीवास्तव जी को आज अपने इस मंच पर, जिस मंच पर कभी उदय श्रीवास्तव जी नाटक करते थे और सीने अभिनेता होने के नाते आपने कई अभी अभी उनकी फिल्म महिमा काशी विश्वनाथ जो अभी लगी थी जून में, काफी जगह पर पूरे ऑल ओवर में ये फिल्म रिलीज हुआ था। आप सबों के बीच में है जोरदार ताली से इनको आज ग्लोरी हो। अभी हमारे साथ उदय श्रीवास्तव सर हैं जो कई फिल्म बना चुके हैं बिहार में, और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो अभी जो हाल की जो फिल्म आई है वो कौन सी फिल्म है और ये समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं उस फिल्म के जरिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले जंगोल के सभी दर्शकों को उदय श्रीवास्तव का नमस्कार। हमारी पिछले महीने दो फिल्में रिलीज हुई जिसका नाम काशी विश्वनाथ है और दूसरी फिल्म उससे जस्ट पहले दहेज दानव और लाल फिल्म मेरी रिलीज हुई। दहेज दानव जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अहम मुद्दा अभी है, आज के बिहार में ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे पर यह फिल्म बनी है और बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को आप सब देख सकते हैं। इस फिल्म में मैं हीरोइन के फादर का रोल किया हूँ जो बड़ा ही व्यथित और टूटा हुआ इंसान है, जो एक बाप बेटी का बाप जो दहेज के लिए जितना प्रताड़ित होता है वो सारी प्रताड़ना मैंने झेली उस फिल्म के अंदर। और बस अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर मौका मिले तो दहेज दानव इसके डायरेक्टर राजेश कुमार जो अपने बिहार के हैं इस फिल्म को देखिए और इसके नायक राकेश कुमार जो इसके निर्माता भी हैं और कल्पना सा इसकी हीरो। दूसरी फिल्म है काजल, इसके निर्देशक ब्रजभूषण और बिहार का ही हीरो आदित्य मोहन दुबे और इसकी हीरोइन काजल आम्रपाली दुबे और एक और जो हीरोइन है वो दोनों इसमें आइटम सॉन्ग की हैं। काजल अग्रवाली और आम्रपाली दुबे दोनों हैं जो आइटम की हैं। फिल्म बड़ी अच्छी है। ये उन मुद्दे पर फिल्म बनी है कि अगर किसी लड़के को लड़का शादी का झांसा देकर छोड़ देता है, यहाँ तक उससे शादी नहीं करता है, शादी करके सेम रात उसको छोड़ता है कि बस तुम्हारी शादी हो गई, बाय गुड बाय करके निकलता है। वो लड़की जिसको अपना जीवन का सब कुछ मान करके वो सब कुछ सौंप देती है, अब उसके जीवन में आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात होती है। वो लड़की फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है, वकील बनती है और खुद अपना केस लड़ती है और अपना हक वो प्राप्त करती है। तो इन दिनों जो भी फिल्म मैं कर रहा हूँ वो सभी मुद्दों से जुड़े ही अच्छी फिल्में ही करता हूँ और अब तक हमारी 300 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। पुरानी फिल्मों में सुहाग विद्या बलवा नादान दुला जुला पाठे बिहारी बाबू से लेकर के राजा काकू धरती कह पुकार से लेकर के काशी विश्वनाथ काजल और अभी पंगेबाज रिलीज होने जा रही है। और जस्ट अभी पिछले महीना मैं हाजीपुर में शूट कर रहा हूँ मृतिया के दूसरे इसके डायरेक्टर विनोद कुमार जी हैं सर। जैसा कि भोजपुरी फिल्मों के बारे में लोग मान्यता है कि भोजपुरी फिल्म अश्लीलता से भरे होती है, ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्मों के बारे में? बहुत दुख होता है जिस भोजपुरी भाषा को हम मिठास के लिए जानते हैं। वो गाना जब याद कीजिएगा कि पुराने गाने जो हिंदी फिल्मों में भी आते थे जो भोजपुरी से जुड़े हुए आते मिक्स होता था कि पिपड़ा के पतला से आयो रेसम मिश्रा की चलाज मिश्रा क्या मेलोडी था आज भी याद करते हैं। पान खाए सही मलमल के कोता पे छीट लाले लाल पान खाए सैया हम से लेकर गंगा किनारे बुरा गांव हो घर पहुंचा था देवी मंदिर। लक्ष्मण शाहबादी जी का एक गीत है कि देवा के बाकी इस जगह के परी और दुनिया में जिए का तुम। इन सारी भोजपुरी फिल्मों जो थी वो मिठास के लिए जाने जाती थी और आज दुर्भाग्य है मेरा दुर्भाग्य इस भोजपुरी फिल्म का। कहते तो है कि हम बहुत प्रगति कर गए और काफी फिल्में
और सब स्टार को मेगा स्टार को पावर स्टार को टीवी स्टार कोई बने, लेकिन मैं वो तीन एक्टर को स्टार मानता हूँ जो आज तक उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं स्टार हूँ, सुजीत कुमार साहब, राकेश पांडे जी और कुणाल साहब। ये तीन ऐसे एक्टर हैं जो कभी अपने आप को नहीं कहा कि वो सुपर स्टार मेगा स्टार। जो अभी के स्टार हैं वो सारा श्रेय अपने सर पे लेना चाहते हैं, और उसी में से एक छोटा सा अपना सा कलाकार मैं हूँ जो भोजपुरी फिल्मों के नींव का पत्थर मानता हूँ। मैं सारी देख सब कुछ देखता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, वो स्थिति में दुख होता है मुझे, लेकिन परिवर्तन हमेशा से होता आया है और ये दौर भी नहीं रहेगा, फिर से हमारी भोजपुरी में मिठास लौटेगी, ये मेरा विश्वास है। अगर मेरे आंखों के सामने ये लौटा तो मुझे बहुत खुशी होगी।